हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कोल्ड ड्रिंक्स के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। कोल्ड ड्रिंक्स आपके शरीर पर, जब अगर आप ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो आपके शरीर पर वो क्या इफेक्ट्स डालती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले वाटर को प्योरीफाई किया जाता है। प्योरीफाई करने के बाद उसमें शुगर को मिक्स किया जाता है और उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं और लास्ट में उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड्स मिलाई जाती है। इसीलिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स को कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी बोलते हैं। उसके बाद हाफ लीटर कोल्ड ड्रिंक्स नीड 35 लीटर ऑफ वाटर। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जैसे देश में अगर हम आधा लीटर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आप समझ लीजिए 35 लीटर वाटर की आपने बर्बादी कर दी है। और वैसे भी आजकल हमारे देश में पानी की बहुत ही ज्यादा कमी है, तो आप लोग जान सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स का क्या इफेक्ट्स पड़ता है पानी के लेवल पर। एक तरीके से ये धरती को सुखाती जा रही है। उसके बाद अब इनके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला होता है बोन वीकनेस। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है जो कि आपकी बोन्स को वीक करता है, और इनके अंदर कैफीन भी प्रेजेंट होता है जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से आपको टूथ डिके हो सकती है। और आपको पता ही होगा हमारी बोन्स में भी कैल्शियम की मात्रा होती है, और ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमारी जो हड्डियां होती है वो कमजोर पड़ने लग जाती है। उसके बाद 350 ml कोल्ड ड्रिंक में 10 टेबल स्पून शुगर डाला जाता है। 10 चम्मच चीनी की 350 ml कोल्ड ड्रिंक में मिलाई जाती है, तो लगभग 30 चम्मच चीनी, 28 चम्मच चीनी 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक में होती है। और आपको यह पता ही होगा कि ज्यादा चीनी का सेवन करने से शरीर में मोटापा बढ़ जाता है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स वेट गेन भी करती है। कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप ज्यादा पीते हैं तो इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। उसके बाद ये डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है, क्योंकि अगर आप कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं तो इससे आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। और आपको पता ही होगा डायबिटीज वाले पेशेंट को कम शुगर लेनी होती है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट को ये नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद अगर आप 14 कैन कोल्ड ड्रिंक के अगर आप एक वीक में पीते हैं, 7 दिन में अगर आप 14 कैन पीते हैं, तो इससे आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है और आपका बिहेवियर थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। गुस्सा आपके अंदर बढ़ जाता है और आपको पता ही होगा कि गुस्सा सबसे ज्यादा खुद के लिए हानिकारक होता है, दूसरे के लिए इतना हानिकारक नहीं होता जितना अपन खुद के लिए गुस्सा हानिकारक हो सकता है। उसके बाद जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, वह आपके अंदर स्ट्रेस और आप डिप्रेशन में आ जाते हैं अगर आप ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो। शुगर के अमाउंट के बारे में बात कर लेते हैं कि जितना शुगर अभी मैंने आपको बताया 350 ml कोल्ड ड्रिंक में लगभग 10 टेबल स्पून शुगर मिलाई जाती है। अगर आप इतनी ज्यादा शुगर एक साथ खा लेते हैं तो आप उल्टी कर सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होगा कि कोल्ड ड्रिंक में ऐसा क्यों नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है, H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है जो कि उल्टी करने से आपको रोकता है, प्रिवेंट करता है। इसी वजह से हम लोग उल्टी नहीं करते, वरना अगर इतनी ज्यादा चीनी अगर हम एक साथ खा लेते हैं तो उल्टी कर सकते हैं। उसके बाद अब इसके इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के 20 मिनट बाद आपके अंदर इंसुलिन हार्मोन बढ़ जाता है। इंसुलिन हार्मोन के बढ़ने से आपके अंदर ब्लड शुगर शुगर लेवल बढ़ जाता है और आपका वजन भी बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ज्यादा चीनी का सेवन करने से वजन बढ़ जाता है। उसके बाद 40 मिनट बाद क्या होता है, कैफीन, जो कोल्ड ड्रिंक में कैफीन प्रेजेंट होता है वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करता है। हम लोग अलर्ट महसूस करते हैं। आपको पता ही होगा कॉफी में भी कैफीन की मात्रा होती है, तो कॉफी पीने से हमको नींद नहीं आती है। लेकिन कैफीन का अगर हम लोग ज्यादा सेवन कर लेते हैं तो नर्वसनेस हो जाती है, अपने को स्ट्रेस हो जाता है, इसलिए ज्यादा कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए। और लीवर जो है वो ज्यादा शुगर होती है उसको फैट में कन्वर्ट करता है, जिससे कि आपका वेट गेन हो सकता है। उसके बाद आफ्टर 45 मिनट्स
जो डोपेमाइन प्रेजेंट होता है, वो डोपेमाइन क्या करता है, आपको डोपेमाइन ऐसा हार्मोन है जो कि आपको खुशी का इजहार करवाता है। आप खुशी फील होने लगते हैं, आप हैप्पी फील करने लग जाते हैं, लेकिन डोपेमाइन ऐसा इफेक्ट शो करता है जैसा कि हम लोग कोई ड्रग्स लेते हैं जो कि अपने को हैप्पी फील कराते हैं, ऐसा इफेक्ट डोपेमाइन दिखाता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो डोपेमाइन प्रेजेंट होता है वो। और उसके बाद आपको एक और बात बता दूं कि डोपेमाइन अगर आप ज्यादा सेवन कर लेते हैं डोपेमाइन का, तो यह आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको भी बढ़ा देता है, बीपी आपका हाई हो जाएगा। 60 मिनट बाद क्या होता है, 60 मिनट बाद जितना भी आपने कोल्ड ड्रिंक पी है तो उसके अंदर वाटर की अमाउंट होती है, तो वो सारा वाटर 60 मिनट बाद आपके यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। तो अगर आप सोचते हो कि कोल्ड ड्रिंक पीने से आपकी प्यास बुझ जाती है, आपको ज्यादा प्यास नहीं लगेगी कोल्ड ड्रिंक पीने से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोल्ड ड्रिंक पीने से आपको ज्यादा प्यास लगेगी क्योंकि सारा पानी बाहर निकल आता है, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट कंडीशन में आ जाती है, इसलिए आपको उस टाइम ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता पड़ सकती है, वरना आप बीमार हो सकते हो। इसलिए यह बिल्कुल गलत है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारी प्यास बुझ जाती है, बल्कि कोल्ड ड्रिंक पीने से आदमी के प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीता है और आपको यह वीडियो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी लगी या नहीं लगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।